माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कांग्रेस ने ये कहा जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात आई, मैं यहां उरी फिल्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूं। तब कांग्रेस ने कहा हमारे समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। हाँ हाँ, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, ठहरिए, आपके पास सब कुछ है। आपको घंटों तक बोलने दिया है, आपको घंटों तक बोलने दिया है। अगर उस समय सेना की वो हालत ही नहीं रहने दी थी आपने, सेना को एक प्रकार से आपने नियंता बना दिया था, वो स्थिति नहीं थी कि सर्जिकल स्ट्राइक करने का कोई निर्णय कर सके। ये हाल बना के रखा था। वो दिन थे जब बुलेट प्रूफ जैकेट तक उपलब्ध नहीं थे। आप किस सर्जिकल स्ट्राइक का सोच भी कैसे सकते थे? और आप तो हिंदुस्तान को आंखों में धूल झोंक रहे हैं, न कम्युनिकेशन डिवाइस थे, न हेलमेट थे, न अच्छे प्रकार के जूते थे। मैं युद्ध सामग्री की तो बात ही नहीं करता, तो सामान्य व्यवस्थाओं की बातें। 2009 में भारतीय सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की। 5 साल बाद भी 2014 तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गई। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक की बातें करते हैं। यह स्थिति जानने के बाद 2016 में हमने 50,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीदी की और 2018 में पूरी 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट हमने हमारे जवानों को पहुंचा दिए हैं। अगर 2014 में उसके बाद भी देश की जनता ज्यादा समझदार है इसलिए गलती नहीं करती, लेकिन 2014 के बाद भी यूपीए की सरकार बनी होती तो देश का गौरव तेजस लड़ाकू विमान वह जमीन पर ही खड़ा होता, वहां पार्किंग किया कर पड़ा होता, वो हवा में नहीं जाता। 2016 में जुलाई में हमने 45 स्क्वाड्रन में शामिल किया और 83 तेजस विमान खरीदने को हमने स्वीकृति दे दी। आपको इसकी चिंता नहीं थी, आप सेना ताकतवर हो ये आपने कभी सोचा नहीं। देश की रक्षा कर रहे जवानों के लिए आपकी इतनी संवेदनहीनता क्यों थी? आपने क्यों कांग्रेस ने पिछली सरकार ने 10 साल में सेना, वायुसेना, नेवी, उसकी आवश्यकताओं को नजरअंदाज क्यों किया? कल्पना कीजिए, उस समय अगर कोई हमारे दुश्मन देशों ने हरकत की होती तो आज देश कहां खड़ा होता? आपने इतना क्रिमिनल नेग्लिजेंस किया हुआ है और देश इसको कभी माफ नहीं कर सकता। आज आवश्यकता है, जिस प्रकार से वातावरण के बीच में हम रह रहे हैं, हमारी सेना का आधुनिकीकरण होना चाहिए और उसके लिए हम, मुझे ये बताइए, 3 दशक हो गए, क्या कारण है देश ने एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन हमारी सेना के हाथ में नहीं दिया? नॉट अ सिंगल इन 30 ईयर्स। जबकि हमारे पड़ोस में हर प्रकार से युद्ध सामर्थ्य बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन क्या देश की सुरक्षा का इस जाए देश के साथ विश्वासघात नहीं था? क्या इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? दादा को राफेल के लिए सुनना है ना। एक एक आरोप का जवाब निर्मला जी ने गिन गिन करके दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू को तराश करके देखा है और सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। आप राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ले जाया है? आप इस प्रकार से देश की सेना के साथ ये व्यवहार करते हो? 30 साल तक देश की सेना को आपने निहत्था बना करके रखा था और इतिहास गवाह है।
पार्टी इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी और उनकी यूपीए की सरकार का सत्ता भोग का कालखंड रक्षा सौदों में दलाली के बिना काम कहीं नहीं। मैं कभी सोच रहा था ये राफेल को लेकर के ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, ये मैं सोचता था। तो जब मैं डिटेल देखने लगा तो मुझे पता चला कि वो ये मान के चले हैं कि पिछले 55 साल में सत्ता भोग के काल में एक भी रक्षा सौदा बिना दलाली हुआ ही नहीं। कहां से कोई चाचा, कोई चाचा, कोई मामा, ईमानदारी से देश की वायुसेना को मजबूत करने का काम हो रहा है, तो माननीय अध्यक्ष जी ये कांग्रेस के लोग जरा बौखला जाते हैं, सच उनको सुनने की आदत रही नहीं है।